गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवेंथ की पाठ्यपुस्तक बसंत हिंदी पाठ माला के पार्ट पाँच कर्मशील बनो नामक एक रचना पढ़ने जा रहे हैं। इस रचना को लिखने वाले स्वेट मार्टन हैं, जो एक अमेरिकी लेखक हैं। इनका जन्म 11 जून 1848 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। वे एक अमेरिकन राइटर हैं और उन्होंने अधिकांश प्रेरणात्मक रचनाओं को लिखा है। उन्हीं की विभिन्न प्रेरणात्मक रचनाओं में से एक रचना कर्मशील बनो है। इस रचना में लेखक ने भाग्यवादी बनने का विरोध किया है। उन्होंने इस लेखक के माध्यम से लोगों को ये बताया है कि हमें भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए, बल्कि कर्म करना चाहिए। लेखक के अनुसार सबका अपना अपना भाग्य होता है, ये जो लोग कहते हैं ये गलत है। इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है, उतना किसी और बात ने नहीं किया है। भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इसका कुछ इतिहास ही नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने, जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, उनके ही द्वारा इसका प्रचलन किया गया है। यानी जो लोग कार्य करना नहीं चाहते हैं, आलसी होते हैं, वही हमेशा भाग्य का रोना रोते हैं, और जो कार्य करते हैं, कर्मशील होते हैं, वो कभी भाग्य पे निर्भर नहीं होते। वे मेहनत करके अपने भाग्य को खुद बनाते हैं और अपने सफलता के पथ पर अग्रसर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से लोग जब असफल होते हैं, सफलता नहीं प्राप्त करते हैं, तो ये कहते हैं क्या करें, भाग्य मैंने लिखा था। बट स्टूडेंट्स, ऐसा है नहीं, भाग्य पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए। लेखक ने बहुत से उदाहरणों के द्वारा हमें कर्म पर कर्म करने के लिए जोर दिया है। उसी उदाहरण में एक उदाहरण उन्होंने लोमड़ी का दिया है। आपने ये किस्सा ज़रूर सुना होगा कि एक बार एक लोमड़ी भूखी थी और गुजर रही थी, तो उसने अंगूर का एक बगीचा देखा। अंगूर बहुत ऊंचाई पे थे, वो बहुत उछली, बहुत कूदी, कोशिश की अंगूर खाने का, लेकिन जब उसे अंगूर नहीं मिला तो उसने क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं, कह के आगे बढ़ गई। इसी तरह बहुत से लोग कार्य करते हैं, नहीं भी सफलता मिलती है, तो कहते हैं भाग्य में नहीं लिखा था, और आगे बढ़ जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमें हमेशा कर्म करना चाहिए। रात दिन जितना कठोर परिश्रम करके आप अपने कर्म को पथ पर आगे बढ़ेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अक्सर देखिए, एक सफल व्यक्ति के जीवन में झांक कर देखिए, क्या उसे यह सफलता भाग्य की वजह से मिली है? नहीं, उन्हें यह सफलता रात दिन कठोर परिश्रम करने से मिली है। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कठोर परिश्रम किया इन लोगों ने, तब इन्होंने अपने भाग्य को खुद बनाया है। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर बना दिया गया है, लेकिन यह गलत है। भाग्य का निर्माता ईश्वर नहीं है, बल्कि मनुष्य स्वयं है। हम खुद भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, बल्कि हमें भाग्य का नहीं, कर्म का निर्माण करना चाहिए। भाग्य मनुष्य को कुछ करने ही नहीं देता है, वो उसे अकर्मण, आलसी बना देता है। अब एक उदाहरण और लेखक ने दिया है पाठ के दौरान कि एक व्यक्ति को एक ज़मीन दी गई। उसने एक ज़मीन ली और उसे मालूम था कि इसमें हीरा है। उसने कुछ खुदाई की, बट हीरा नहीं निकला। जब हीरा नहीं निकला तो उसने ये अपने भाग्य का दोष देखा कि मेरे भाग्य में लिखा ही नहीं है। उसने खुदाई छोड़ दी और उसी ज़मीन को जब दूसरे व्यक्ति ने ली तो उसने और ज़्यादा खुदाई की, मेहनत किया और उसे हीरा मिल गया। तो इसे क्या कहा जाएगा, ये कि उसके भाग्य में हीरा लिखा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कहा जाएगा कि पहले ने प्रयास करना छोड़ दिया, इसे उसे सफलता नहीं मिली, बल्कि दूसरे ने लगातार प्रयास किया और उसे सफलता मिल गई। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे उदाहरण के द्वारा हमें भाग्य करने के लिए, भाग्य पर जोर देने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि कर्म करने के लिए कहा गया। अब एक प्रश्न और उठता है कि ईश्वर क्या है? बच्चों, एक बार बर्टेड रसेल से किसी ने पूछा कि ईश्वर क्या है, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तब रसेल ने जवाब दिया था, मन को शक्ति देने वाली इस आध्यात्मिक कल्पना का नाम ही ईश्वर है। ईश्वर का नाम लेकर, उस पर विश्वास कर हम मन में शक्ति का एकीकरण कर कार्यशील होते हैं। हमारा यह विश्वास मजबूत होता है कि हम कर्म कर रहे हैं और ईश्वर हमारा साथ दे रहा है, वो हमें आशीर्वाद देगा और हम सफल होंगे,
और इसी एक विश्वास पे हम कर्म करते हैं। आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने के लिए ईश्वर का अस्तित्व बनाया गया है, साथ साथ ईश्वर की कल्पना मनुष्य को भयभीत भी करती है। एकांत में भी मनुष्य कोई पाप या गलत काम ना कर सके, इसी आधार पर उसे सर्वव्यापी सर्वद्रष्टा बतलाया गया है। कण कण में इनका निवास माना गया है और एक तरह से यह सही भी है, क्योंकि मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो है ही। इसी आधार पर ईश्वर का निर्माण किया गया और इसी प्रकार असफलताओं को रोकने के लिए, अपने दोष पर पर्दा डालने के लिए लोगों ने भाग्य का भी निर्माण कर दिया। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता हैं, जैसा कार्य हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। अतः भाग्य को आप दोष ना दें। आपने देखा होगा नन्ही चींटी को कुछ लेकर खाने की सामग्री जब वो दीवार पर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है बार बार गिरती है, तो क्या वो थक के हार जाती है? कतई नहीं। आपने देखा होगा कि अंत में सफल होती है और दाना लेकर या जो भी खाने की चीज़ें हैं वो लेकर जरूर दीवार पर चढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? निरंतर प्रयास करने की वजह से हुआ। इसलिए स्टूडेंट्स, हमें लगातार प्रयास करना चाहिए, कभी भी असफलता से हारना नहीं चाहिए। मनुष्य ही तो संसार के सभी प्राणियों में एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर या प्रकृति ने सब कुछ दिया है। वह अपने प्राकृतिक गुणों के अलावा भी अपने कौशल के द्वारा औरों के गुण अपना सकता है। जैसे मछलियाँ तालाब में तैर सकती हैं, क्या मनुष्य में ये जन्मजात थी, ये गुण था? नहीं। फिर भी उसने तैरना सीख लिया, वो भी मछलियों की भांति तालाब में तैर सकता है। चिड़िया आसमान में उड़ती है, बट हमें तो पंख मिला नहीं, हम तो आसमान में उड़ नहीं सकते, लेकिन हमने अपने कार्यशीलता की वजह से हवाई जहाज बनाया और हम भी चिड़ियों की भांति आसमान में उड़ने लगे। तो आपने क्या देखा? यही ना कि हमें जो चीज़ प्रकृति ने नहीं प्रदान किए उन गुण को भी हमने विकसित करके और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, या हमारी अपनी कमजोरी है कि हम उन सबको पहचान नहीं पाते। हम जो भी चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है, फिर हम क्यों ना करें। अरस्तु ने भी तो एक बार, आपको पता होगा कि अरस्तु ने भी एक बार चौराहे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर कहा था, इस दुनिया में सब कुछ है, वह हमारे आसपास हमारे चारों ओर फिर रहा है, और हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। हमें उस योग्य बनना होगा कि हम उसे प्राप्त कर सकें। हमें कर्महीन नहीं बनना है कि नहीं? इस पर जो भी चीज़ें लेखक ने बताई है, इस पर आप विचार कीजिएगा और कर्म पे अमल कीजिएगा, भाग्य पे नहीं। अगर भाग्य पर ही निर्भर होता तो आज कोलंबस ने अमेरिका की खोज ना की होती। कोलंबस ने लगातार प्रयास करके अमेरिका की खोज की थी और स्कॉट ने ध्रुव की खोज की थी। इसलिए बच्चों, आपको हमेशा कर्म करना चाहिए, कर्म पे जोर देना चाहिए, भाग्यवादी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार हमारी यह रचना यहीं समाप्त होती है और उम्मीद है कि आप इस प्रेरणात्मक रचना से कुछ ना कुछ सीख अवश्य लिए होंगे। इस बुक में जो भी बुक एक्सरसाइज है बच्चों, वो आपको PDF के द्वारा भेज दिया जाएगा, PDF सेंड किया जाएगा। जो भी वर्क है आप उसे बुक से में कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही प्रश्न उत्तर भी भेजा जाएगा। शब्दार्थ पृष्ठ संख्या 31 पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आपको लिखना है। सबसे पहले आपको ऊपर पाठ संख्या डालनी है, फिर पाठ का शीर्षक कर्मशील बनो डालिएगा, फिर शब्दार्थ लिखना है, प्रश्न उत्तर हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लिखावट में, यानी गुड हैंड राइटिंग में, आपको अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।